नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का ये वीडियो है आपके लिए कुछ खास, क्योंकि इसमें है आरजेएस की कंप्लीट डिटेल। आपके मन में जितने भी आरजेएस को लेकर क्वेश्चन हो तो उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो बात करें सबसे पहले आरजेएस के फॉर्म कब आ रहे हैं। आरजेएस के फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, आज भी, कल भी, कभी भी आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है आरजेएस का फॉर्म कब आएगी। देखो, आरजेएस की लगभग 140 सीटें आ रही है, 2023 में आरजेएस की 40 सीटें आ रही है, ठीक है बेटा। ये फॉर्म आज, कल, परसों में कभी भी निकल सकते हैं। अगर फॉर्म जब भी निकलेंगे आपको 3 महीने मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? 1 महीना तो फॉर्म भरने का ही होता है, आगे उनका 45 डेज का रहता है, तो हो गए 2.5 महीने। तो वो 45 डेज ऊपर नीचे होकर 3 महीने आपको मिलते हैं, और 3 महीने सफिशियंट है आपके लिए। तो आरजेएस के फॉर्म जो है जल्दी निकलने वाला है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं अपना स्टेटस अपडेट करूंगी और बार बार आपको रिमाइंडर भी देते रहूंगी, ताकि किसी भी बच्चे का फॉर्म की लास्ट डेट ना निकल जाएगी। आप डरते हो ना लास्ट डेट निकल गई तो आप उसकी चिंता ना करें, मैं बार बार आपको रिमाइंडर देती रहूंगी। नंबर 2, LLB फाइनल ईयर अपेयरिंग वाला बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है, ठीक है। LLB फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, बाकी सब। लास्ट टाइम मैं जैसे कह रही हूं कि यहां पे सिर्फ एक वर्ड यूज होता है अपेयरिंग, तो अपेयरिंग वर्ड यूज होता है, तो LLB सेकेंड ईयर वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। फिर भी जब आए फॉर्म तो एक बार भर के देख लेना, वहां पे लिखाएगा फाइनल ईयर अपेयरिंग तो सिर्फ फाइनल ईयर वाला भर सकता है, वहां लिखाएगा सिर्फ LLB अपेयरिंग तो फिर कोई भी भर सकता है, प्री का एग्जाम फिर कोई भी भर सकता है। तो बाकी वाला फॉर्म भरकर ही देखना होगा। मिनिमम एज 21 ईयर्स है, यानी जिसका 21 साल पूरा हो गया वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और देन आती है आपके पास मैक्सिमम एज, जनरल मेल और फीमेल, जनरल मेल और फीमेल की 40 ईयर्स है, जनरल कैटेगरी की मेल फीमेल, यानी पूरा इंडिया जो है इसका फॉर्म भर सकता है 40 साल तक, ठीक है। उसके बाद आता है SC और ST, इनकी मेल हो या फीमेल हो दोनों की 45 ईयर्स है, SC या ST जो भी हैं उनकी 45 ईयर्स है। OBC मेल की 40 साल है, OBC मेल की 40 साल है, OBC फीमेल की मुझे आइडिया नहीं है, विडो कैटेगरी की, डाइवोर्सी की, इसका भी मुझे आइडिया नहीं है, ये नोटिफिकेशन में ही हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम एज मैक्सिमम एज हो गई आपके पास। अगला क्वेश्चन, LLB में कितने परसेंटेज होने चाहिए, कितने भी हो सकते हैं बेटा LLB में कितने परसेंटेज, 48% वाला भी आरजेएस का एग्जाम दे सकता है। फिर आता है नंबर 5, आरजेएस का एग्जाम कौन कौन दे सकता है, कौन कौन, इंडिया का कोई भी व्यक्ति दे सकता है। आप यूपी के हो या बिहार के, दिल्ली के हो या राजस्थान के, आप कहीं के भी हो आप एग्जाम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं राजस्थान के बाहर से हूं, क्या आरजेएस में मुझे प्रायोरिटी मिलेगी? हाँ जी बेटा, राजस्थान के बाहर वाले यहाँ पे जनरल काउंट होंगे। राजस्थान में ऐसा कोई भी रिजर्वेशन नहीं है जो राजस्थान वालों के लिए अलग से है, जनरल कैटेगरी में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान जो है इंडिया के सारे स्टूडेंट को वेलकम करता है। ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं कहा गया है कि पहली प्रायोरिटी हम राजस्थान वालों को देंगे, जैसे MP में क्लियर करते हैं कि पहली प्रायोरिटी हम MP वालों को देंगे। इस बार गुजरात ने भी क्लियर किया कि पहली प्रायोरिटी हम अपने गुजरात वालों को देंगे, बाकी सारे स्टेट तो देते ही है, महाराष्ट्र में मराठी होंगे उनको प्रायोरिटी दे देंगे, राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में हर साल जनरल कैटेगरी की सीटों में आप देखेंगे कि वो जनरल कैटेगरी की सीट, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 100 सीटें जनरल की, तो 60 सीटें तो राजस्थान के बाहर वाले ले लेते हैं। यस, 100 में से 60 सीट तो राजस्थान के बाहर वाले ले लेते हैं, इसलिए राजस्थान में ऐसा स्टेट रिजर्वेशन जैसा कुछ नहीं है। इंडिया का कहीं का भी कोई भी बच्चा आके एग्जाम दे सकता है, एग्जाम पास कर सकता है और यहाँ पे नौकरी कर सकता है। राजस्थान ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती कि बाहर वालों को प्रायोरिटी नहीं देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, हिंदी मीडियम में हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ? हाँ जी बेटा, आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप राजस्थान का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि आरजेएस का पेपर प्री भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, मेन एग्जाम भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, और इंटरव्यू भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, इसलिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही आरजेएस का एग्जाम दे सकते हैं। अगला सवाल आता है कि मैंने ऐसा सुना है, बच्चे मुझसे कहते हैं कि हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन कम होता है, ऐसा नहीं है, पढ़ते हैं तो दोनों का होता है, नहीं पढ़ोगे तो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम दोनों का ही नहीं होता है, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्री
का जो ओमर सीट होती है उसमें तो गोले भरने होते हैं, तो उस गोलों को क्या फर्क पड़ता है तुम हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, वो तो गोले हैं, गोले तो गोल गोल भरने होते हैं, हिंदी मीडियम वाला भी ऐसे ही भरेगा, इंग्लिश वाला भी ऐसे ही भरेगा। तो पहले प्री तो निकालो फिर मैन देखेंगे, मैन के अंदर इंग्लिश ऐसे में थोड़ी सी मेहनत कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लॉ तो लॉ है, चाहे हिंदी मीडियम लिखेगा तो भी मार्क्स मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम लिखेगा तो भी मिलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मीडियम आपका बैरियर नहीं है जज बनने से रोकने के लिए, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा अपने घर पे हिंदी बोलता है, इसलिए हिंदी ऐसे में उसके नंबर अच्छे आ जाता है, और हिंदी मीडियम वाला घर पे हिंदी और मारवाड़ी बोलता है, अपनी लोकल इंग्लिश बोलता है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो सिर्फ इंग्लिश ऐसे है, वो अभी से प्रैक्टिस करो, तो क्या ना जीवन में अगर कुछ सोच लिया तो कोई चीज़ पीछे नहीं रहती। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, मैम अब तो वैकेंसी कभी भी आ सकती है, क्या इतने कम टाइम में मैं कर पाऊंगी? बेटा 8 दिन निकालना है, दिन रात एक कर लीजिए, तो कितना भी टाइम हो कोई आपको रोक नहीं सकता। कम टाइम उल्टा ज्यादा अच्छा है, कम टाइम होगा ज्यादा पढ़ोगे, डेट जब सामने होती है एग्जाम की तो ज्यादा पढ़ोगे। डेट, एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, 8 दिन के एग्जाम की डेट क्या हो सकती है? अभी फॉर्म आते हैं आजकल में तो मई में एग्जाम होने की संभावना है, मई में होने की संभावना है, और जैसे थोड़ा डिले होता है तो जुलाई में, क्योंकि जून बहुत गर्मी होती है तो थोड़ा सा ये लोग भी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो या तो मई में होने की संभावना है अगर आजकल में फॉर्म आ जाते हैं, नहीं तो जुलाई में होने की संभावना है। मैं जस्ट एक टेंटेटिव बता रही हूँ संभावना है, क्योंकि कई बार बच्चे पूछता है बताओ बताओ, बस उसी के लिए बता रही हूँ कि होने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास क्या क्वेश्चन आता है 8 दिन का, ये हो गया LLB वाला हो गया, डाइवोर्सी हो गया, आपके पास SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, हिंदी मीडियम हो गया, फॉर्म कब निकलने वाले हो गया, एग्ज़ाम की डेट टेंटेटिव कब हो गई, यस। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसमें प्री होता है, फिर मेन होता है, और देन इंटरव्यू होता है। प्री एक ही पेपर होता है, राजस्थान में GK नहीं आती, टेंशन खत्म, अभी तक तो नहीं आती थी बेटा, अब अगले नोटिफिकेशन में चेंज होगा। अरे अगला सवाल, पहले अगला सवाल कर लेती हूँ। कई बच्चे कहते हैं क्या मैडम सिलेबस चेंज होगा, मुझे भी नहीं पता, सिलेबस में चेंजेस होने की संभावना है? बेटा जब भी होगी वो हमें पहले नोटिफाई कर देंगे, तो अभी तो सिलेबस में चेंजेस के बारे में कुछ नहीं सुना है, बाकी तो नोटिफिकेशन आने के साथ ही पता चलता है, तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं सुना है। प्री के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी तक तो नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं थी, आगे कुछ हो तो आइडिया नहीं है। 100 क्वेश्चन डिवाइड किया गया है, 35 क्वेश्चन सिविल से आते हैं, 35 क्वेश्चन क्रिमिनल से आते हैं, 15 हिंदी ग्रामर, 15 इंग्लिश ग्रामर। हिंदी ग्रामर में वही संधि समास वगैरह, इंग्लिश में वही टेंस वगैरह जो 10th लेवल की वो आती है। मेन में 4 पेपर होते हैं बेटा, मेन में 4 पेपर होते हैं, पहला सिविल पेपर, फिर हिंदी ऐसे, फिर क्रिमिनल पेपर, फिर इंग्लिश ऐसे। तो सिविल और क्रिमिनल होते हैं उसी में जजमेंट राइटिंग, उसी पेपर में जजमेंट राइटिंग आती है, सिविल में सिविल की जजमेंट राइटिंग, क्रिमिनल में क्रिमिनल की जजमेंट राइटिंग। हिंदी ग्रामर मेन में सिर्फ 3 ऐसे आते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में भी सिर्फ 3 ऐसे आते हैं, मतलब बाकी ग्रामर नहीं आती, सिर्फ ऐसे आती है। और देन हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू दोनों लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वालों का हिंदी में। आप अपना इंटरव्यू इंग्लिश में दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरव्यू ऐसा होना चाहिए सामने वाले को समझ में आ जाए, सामने वाले को समझ में आ जाए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल राजस्थान का एक छोटा सा पैटर्न है, हर कोई इसे निकाल सकता है, तैयारी करते रहिए, जज बनना है, इंडिया का कहीं पर भी बने आपको जज बनने से मतलब है, तो बस अपनी तैयारी में लग जाइए, और फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा क्लास के बारे में, जो सूर्य नगरी यूनिक लोक क्लासेस है जिसको हम SULC बोलते हैं, यहाँ पे 8 दिन की टेस्ट सीरीज चलती है, प्री प्लस मेन की, 8 दिन के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, और 8 दिन का फाउंडेशन बैच भी हम चलाते हैं, वो भी अवेलेबल है, क्रेश कोर्स नहीं है, ठीक है। मॉर्निंग में क्लासेस रहती है 7:30 से 10:30, और इवनिंग में क्लासेस होती है 4 PM to 9 PM, जिसमें हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर भी होती है, ठीक है। तो इस क्लासेस की फ़ीस कितनी है, कैसे पढ़ा रहे हैं, टेस्ट सीरीज क्या है, मॉक टेस्ट क्या है, उनकी क्या फीस है, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, 8 दिन की वैकेंसी आने वाली है, आज के लिए धन्यवाद।